आप सभी को मेरे प्यारे भाई बहन, मेरे दोस्त, मीडिया वालों ने बहुत प्यार दिया मुझे 21 सालों से। मुझे 21 साल हो गए इस इंडस्ट्री, तो मैं आप सबका अपने तहे दिल से हमारे सेट दुर्गा मैजिक मोमेंट्स प्रोडक्शन के द्वारा, जो ये 16 सितंबर कलर्स टीवी पर आने वाला है, और निमंत्रण दे रही हूँ, स्वागत कर रही हूँ हमारे प्यारे से सेट पर। और मैं यही चाहूँगी कि गणपति बप्पा हमारे इस शो को आशीर्वाद करते हुए, आज बहुत ही अच्छा दिन है और गणपति बप्पा की आज वो जा भी रहे तो आशीर्वाद देख के जा रहे हैं, और मैं बहुत खुश हूँ कि आप सबसे यहाँ अपने सेट पे मिल रही हूँ। अभी आप जो पूछना चाहें पूछ लीजिए। एक तो आप देख लीजिए कि मैं पानी बाई का रोल निभा रही हूँ, किरदार निभा रही हूँ, जो एक राजस्थानी औरत है और इस घर की, इस हवेली की एक मालकिन बोल सकते हो, नौकर बोल सकते हो, सब बोल सकते हो। जैसे कि हम जानते हैं कि आज के ज़माने में हम नौकर को नौकर नहीं बुलाते, एक्चुअली देखा जाए तो जो हमारे लिए काम करते हैं वही मालिक बन जाते हैं। और पानी भाई भी बिल्कुल वैसी ही एक औरत है जो कई सालों से इस हवेली में पानी लेकर आई थी, और अब वो इस हवेली को जम कर रट कर उसने अपने काबू में लिया। हवेली में हमारे तीन कुंवर सा रहते हैं, एक सावित्री बाई रहती है, और जो पति थे सावित्री बाई जी के, जो पति थे वो तो गुजर चुके, तो स्टोरी वहाँ से शुरुआत होती है कि पानी बाई इस घर में क्यों रहती है। वो एक बैक हिस्ट्री है जो मैं आपको बता नहीं पाऊँगी, और वही क्लू, वही एक कोड है हमारे शो का। और पानी बाई लेकर आई है हमारी दुर्गा को, जो छोटी सी उम्र से वो भी उसे इस हवेली में लेकर आई है। अब वो क्यों लेकर आई है, किस रीज़न के लिए लेकर आई है, वो भी एक अंडरकवर्ड रैप है जो आप शो में आपको पता चल जाएगा। लेकिन पानी बाई बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक कैटलिस्ट, एंटेगनिस्ट, एक आप बोल सकते हो कि इस शो में एक जो दमदार कैरेक्टर है वो पानी बाई का कैरेक्टर है। और हम लोगों ने ख़ास तौर पे मेरे जो मित्र हैं यहाँ पर, जो पुराने दोस्त भी हैं हमारे यहाँ, जो मीडिया वाले हैं, जानते हैं कि इंदिरा कृष्णा जो भी करती है थोड़ा सा एंटरटेनमेंट फैक्टर ज़रूर करती है उसमें। और मैं बहुत मैं ये नहीं कहूँगी, मेरे एफर्ट्स तो है ही 200%, लेकिन उसके साथ साथ ये किरदार मेरे लिए बहुत अहम किरदार है। जैसे कि आप जानते हो कि हर एक किरदार में, चाहे वो कृष्णा बहन खाकरा वाला हो या कलर्स के लिए जो मैंने कृष्णदासी किया, मैंने एक हटकर रोल ही किया है। जहाँ से आप लुक की बात करो, या आप बोल की बात करो, या आप चाल की बात करो, या आप किस तरह से वो किरदार निभाती है, वो कैरेक्टर जो ऑडियंस जुड़ जाती है, मैं बिल्कुल वैसे ही कैरेक्टर्स करती हूँ रियल लाइफ में भी टेलीविज़न पर। तो पानी बाई भी एक बहुत ही रियल लाइव कैरेक्टर मैंने, मतलब मैं लेकर आई हूँ। क्यों रियल? क्योंकि आप देख पा रहे हो कि मेरा जो लुक है, देखिए आप जो मेरे कपड़े भी पहनती हूँ, मैं इतने सरलता से पहनती हूँ ये कपड़े ताकि ये एक नॉर्मल सी, मतलब उस कैरेक्टर के लिए एक नॉर्मल रूप में आ सकती है पानी बाई। दूसरी बात ये है कि मैंने ज्वेलरी बिल्कुल अपने ट्राइबल, जो रूरल लोग, जो राजस्थानी लोग पहनते हैं, उसी पहनाई के साथ मेरा एक नया, एक मैंने इंट्रोड्यूस किया है कि वो मेरे टैटूज़ जो आप देख रहे हो कि मैंने गले में भी लगाया। आई थिंक टेलीविज़न पे किसी ने, सब लोग मार्कर यूज़ करते हैं, मैंने मार्कर बिल्कुल नहीं यूज़ किया है, मैंने प्रॉपर टैटूज़ मैंने यूज़ किए, जो हाई रेजोल्यूशन के टैटूज़ हैं, जो 13-14 घंटा रहता है, जब तक मतलब मैं घर नहीं पहुंचती और मैं अपने आप को रगड़ रगड़ के वो टैटूज़ निकलते हैं। मेहनत का काम है बहुत इस किरदार में, बिकॉज ये सब को पहनकर आप दमदार रोल भी परफॉर्म करते हो, आप एंटरटेनमेंट भी परफॉर्म करते हो, और उसके साथ साथ राजस्थानी रब्बारी लैंग्वेज भी बोलना, वो एक बोली मैंने रखी है, एक टोन दिया है मैंने लैंग्वेज में, बहुत ज़्यादा भी मतलब बाकियों ने, आर्टिस्टों ने राजस्थानी नहीं रखा है पानी बाई को छोड़कर, तो मैंने एक टोन भी रखा है इसमें ताकि लोग जुड़ पाए कि मैं क्या बोल रही हूँ।
टोन के साथ साथ मेरा क्लैरिटी आप बहुत सुनोगे राजस्थानी में। और एक तकिया का लाम, एक वो जो कैरेक्टर का वो एक बेस है वो भी मैंने रखा है, तो आप बहुत एन्जॉय करोगे इस कैरेक्टर को। क्यों एन्जॉय करोगे? बिकॉज मैंने कुछ नया किया है टेलीविजन पे, और मैंने एक लैंग्वेज के साथ साथ मैंने इस कैरेक्टर को मैंने होल्ड किया है। तो पहले जितने भी एपिसोड्स आप देखेंगे, पहला एपिसोड जो हम लोग इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं वो एक बैक हिस्ट्री जुड़ी हुई है कि दुर्गा क्यों आई है इस घर में, और दुर्गा के साथ पानी बाई का क्या रिश्ता है, और हम दोनों का रिश्ता इस घर के साथ क्या है, वो आप दुर्गा का फर्स्ट एपिसोड में आप देख पाओगे। मैम, सबसे बड़ी बात तो ये है, इतनी बड़ी फैमिली है, आपने इधर कब्जा तो जमाया ही है, जी। लेकिन अच्छी चीज़ों पे नहीं बैठना है, बस एक पार्ट लेकर बैठना है। बिल्कुल। सो रीज़न, जैसे कि आप जानते हो कि राजस्थान के आप जितने भी लोग, मतलब वहाँ के जो रूरल, जो ट्राइबल सॉरी लोग हैं, वो लोग कभी कुर्सी पे नहीं बैठते, और मैंने वो ऑथेंटिसिटी मैंने निभाया है। मैंने हम लोग जब ये डिस्कस कर रहे थे इस कैरेक्टर के बारे में, उन्होंने कहा कि इंदिरा तुम और क्या कर पाओगी इस कैरेक्टर में, तो हम लोग क्रिएटिव्स वगैरह हम लोग बैठ के यही हम लोगों ने सोचा कि पानी बाई का कब्जा ज़रूर है इस हवेली पर, लेकिन वो अपना रूट्स नहीं छोड़े, ट्रेडिशन नहीं छोड़े। तो उसका ट्रेडिशन भी है, यू नो, नीचे बैठना, खाना भी नीचे बैठकर खाती है, कभी ऊपर बात भी करेगी कब से किसी से तो वो नीचे बैठकर, फैमिली वाले सब ऊपर बैठेंगे सोफे पे, लेकिन वो नीचे से मतलब अपने पाटले पर बैठ के वो बात करती, क्योंकि वो ट्राइबल औरत है और उसका वो अपब्रिंगिंग जो है, जो संस्कार है, जो उसका ट्रेडिशन है, वो वही से है। तो हम लोगों ने ये रूट, देखिए हम लोग बात तो करते हैं कि ट्रेडिशनल लुक है ये है, लेकिन आपको ट्रेडिशनल फॉलो भी करना चाहिए, तो वो मैंने इस शो में मैंने दिखाया, आई थिंक फर्स्ट टाइम, बिकॉज ज़्यादातर अगर आप दूसरे भी शोज देखे देखे होंगे अम्मा जी वाले कैरेक्टर्स वगैरह, लेकिन वो लोग सब सोफे पे बैठते थे, मैंने वो हट के मैंने किया है कि मैं मतलब नीचे बैठकर मैं अपने डायलॉग्स बोलूँगी, नीचे से ही, मतलब वो कैरेक्टर का जितना आप ऑडियंस कनेक्ट हो पाएंगे तो उस हिसाब से ही मैंने रखा ये कैरेक्टर। सो देर इज नो सास बहू इन आवर शो। फर्स्ट तो आप वो हो गया कि यहाँ पर कोई सास बहू है ही, यहाँ पर सास भी मैं हूँ, बहू भी मैं, तो जो भी करना है पानी बाई करेगी। यहाँ पर दुर्गा है, दुर्गा के साथ एक रिश्ता है पानी बाई के, वो एक रिस्पेक्ट के साथ, वो डरती है पानी बाई से कहीं ना कहीं, तो हम लोगों ने एक वो रिश्ता हम लोगों ने बहुत स्ट्रॉन्ग एक रिश्ता किया है कि जैसे ही पानी बाई एंटर भी करते कि मालूम है कि ये अपना मुँह खोलेगी और कुछ खराब होने वाला है, तो हम लोगों ने वैसा एक रखा है। दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट शो, और जैसे कि आप जानते हो कि इस शो की राइटर लीना गंगा उपाध्याय जी, वो बहुत ही हटके शोज लिखती है, इन्होंने जो कैरेक्टर भी ये पानी बाई का, जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी और मैं उनसे मिली नहीं हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम जब मुझे इस शो के लिए बोला गया था कि आप आइए और हम इस कैरेक्टर का एक वन लाइन ब्रीफ देना चाहते हैं, मैं बहुत किक्ड हो गई इस कैरेक्टर से, क्योंकि मुझे लगा कि ये हटके सास बहू नहीं है, यू नो, आप अगर मेरे शोज भी देखेंगे, मैंने कभी वो सास बहू टिपिकल वाले शोज कभी नहीं किए। आप एक हिट शो मैंने दी थी साबी की सवारी कलर्स टीवी पर ही, जो एक साल के ऊपर चला, और उसमें भी मैंने ऐसा कभी वो हम मैंने एक बेस्टी, एक यू नो, सास बहू को एक फ्रेंडशिप रख के मैंने वो एक वो किया। सो आई हैव ब्रोकन द यू नो, एक वो जो टाइप कास्ट जो है वो रोल्स मैंने कभी नहीं किए, और ये भी टाइप कास्ट रोल बिल्कुल ही नहीं है, ना ही लुक वाइज और ना ही यू नो बोली के ऊपर भी, जो मैं बोलती हूँ एकदम अलग ही है। पानी बाई, आई फील यू एस पी इज पानी बाई, एंड आई फील दुर्गा इज ऑल्सो अ यू एस पी ऑफ दिस शो। आई ऑल्सो फील इट इज द बॉय ऑफ दिस शो हु इज डूइंग अ वेरी ट्रिमेंडस जॉब। जो कैरेक्टर है वो दिखते हैं, दुर्गा दुर्गा दिखती है,
और आशय मिश्रा जो कुंवर सा का रोल कर रहे हैं, अनुराग का रोल जो निभा रहा है वो दिखता है अनुराग, वो जो टिपिकल एक घराने का जो एक वारिस रहता है वो दिखता है, यू नो वो फैमिली राजस्थान फैमिली से बिलोंग, तो वो राजपूत दिखता है वो इसमें। सो हम लोगों ने, इन लोगों ने जो कास्टिंग भी किया है ना, सब देख के वो नज़र मार के एक फ्रेशनेस भी आया है। और प्रणाली का तो इतना फैन फॉलोइंग तो है ही पहले से, क्योंकि वो ये रिश्ता कर चुकी है, लेकिन इसमें आई थिंक शी विल गेट इवन अ बिगर फैन फॉलोइंग बिकॉज हर कैरेक्टर इज़ वेरी डिफरेंट इन दिस शो। थैंक यू सो मच मैम, एंड ऑल द थैंक वेरी यू, बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।